अलीगढ़ में तीन स्थानों पर जहरीली शराब पीने से शुक्रवार को 15 लोगों की जान चली गई और 16 लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस केस में जहरीली शराब बेचने के एक मुख्य अभियुक्त को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि फरार दो मुख्य अभियुक्तों पर 50,000 का इनाम का ऐलान किया जा चुका है। बता दें कि शुक्रवार सुबह सबसे पहले अलीगढ़ के करसुआ गांव से जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद फौरन ही घटनास्थल पर जिले के आला अधिकारी पहुंचे तो हैबतपुर गांव में भी जहरीली शराब से एक और मौत की खबर आई। रात होते ही शराब और लोगों के मरने की खबर सामने आने लगी। इन सब लोगों ने गवर्नमेंट देशी शराब के ठेकों से ब्रांडेड देशी शराब के पाउच खरीद कर पिए थे। देशी शराब के इन ठेकों से शराब के सैंपल लेकर ठेके सील किए जा चुके हैं। आगरा जोन के ADG राजीव कृष्णा ने अलीगढ़ के हॉस्पिटल्स में भर्ती लोगों से उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में समस्त जानकारी हासिल की। उन्होंने मीडिया को बताया कि फरार अभियुक्तों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस की 6 टीमें बना दी गई हैं, जो निरंतर दबिश दे रही हैं। वे जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।